से मैंने तो फिल्म कैसे देखा? फिल्म तो ठीक ठाक है, सनी लियोन का काम अच्छा है, रवि राज का काम अच्छा है। अच्छा फिल्म जो है एडल्ट कॉमेडी पर है, तो कितने हंसे आप थिएटर? कॉमेडी ज़्यादा है उसमें। अच्छा, और पूरी फिल्म वाइज फिल्म कैसे लगी आपको, सबका काम कैसा लगा? तुषार कपूर है, रवि राज है, अपने से तो सनी लियोन का काम अच्छा लगा, और कुछ नहीं, बस क्या मज़ा आया सनी लियोन। अच्छा, दो किरदार हैं उनके फिल्म में, लीली और लैला, तो वो कैसे लगे आपको? लैला किरदार अच्छा है। और कितना स्टार देना चाहेंगे? ढाई। देखिए मस्ती वाली फिल्म का कोई लॉजिक नहीं है, अगर कोई बहुत ही बड़ा डाई हार्ट फैन है सनी लियोन का और अभी ये पिक्चर देखने जाए, ये तो घर में बहुत ही एंटरटेनमेंट का साधन है, पेपर है, आपकी वाइफ है, बहुत सारे चैनल्स हैं, मस्ती ज़्यादा को बिग नो नो। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कोई लॉजिक नहीं है, एक किरदार निभाना तो मुश्किल होता है किसी आर्टिस्ट को, दो किरदार निभाने का क्या मतलब निकलता है, और जब स्टोरी नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई मोटिव नहीं है उस फिल्म को, सिर्फ आप डबल मीनिंग बातें करके बता रहे हैं दो किरदार को, ये एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा, वो और किरदार है, देखिए तुषार कपूर के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रूव नहीं किया फिल्म को, वीरदास एक अच्छे एक्टर है, उन्हें तो टॉप मोस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको इस तरह की फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। स्टार बहुत दूर की बात है, मैं रिकमेंड करूँगा ये फिल्म, इस तरह की फिल्म या ये फिल्म को बैन कर देनी चाहिए, फिनिश। कैसे लगी आप? यूएस वालों के देखने के लिए, इंडियन लोगों के लिए नहीं है। और अगर बात करें सनी लियोनी की, फिल्म में सबसे बड़ी बात है फिल्म में सनी लियोनी है। सनी लियोनी को अगर ऐसा किरदार प्ले करना ही है तो फिर वो फिर दोबारा से हॉलीवुड चली जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से, यहाँ कल्चर के हिसाब से ऐसे फिल्में नहीं बननी चाहिए, और मैं यही सलाह दूंगा कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको ये फिल्में जेब नहीं देती है, और अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, इज्जतदार लोग हैं, इस तरह की फिल्में अगर लगेंगी तो मार्केट में नया ट्रेंड आएगा, जिसकी वजह से हमारी इंडियन जो फिल्में हैं वो भी कुछ अलग से ट्रेंड में ढल जाएंगी, कि जो हमारा कल्चर जो पहले बनती थी फिल्में वैसे फिल्में नहीं बन रही। और फिल्में जो वीरदास तुषार कपूर की है, तो उनकी तुषार कपूर अभी तक तो शायद एक भी आध फिल्म इतनी अच्छी की है, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि ये फिल्म उनके लिए कोई अच्छी जाएगी, और वीरदास एक अच्छा एक्टर है, उनको करना चाहिए कि हाँ आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसी फिल्में अगर करेंगे तो फिर उनका भी कैरेक्टर कोई खास नहीं रहेगा। मैं तो एक भी शायद दूँ तो ठीक है, एक ले लो आप, मेरे से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। बस्ती ज़्यादा कैसे लगी आप? यूएस वालों के देखने के लिए, इंडियन लोगों के लिए नहीं है। और अगर बात करें सनी लियोनी की, फिल्म में सबसे बड़ी बात है फिल्म में सनी लियोनी है। सनी लियोनी को अगर ऐसा किरदार प्ले करना ही है तो फिर वो फिर दोबारा से हॉलीवुड चली जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से, यहाँ कल्चर के हिसाब से ऐसे फिल्में नहीं बननी चाहिए, और मैं यही सलाह दूंगा कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको ये फिल्में जेब नहीं देती है, और अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, इज्जतदार लोग हैं, इस तरह की फिल्में अगर लगेंगी तो मार्केट में नया ट्रेंड आएगा, जिसकी वजह से हमारी इंडियन जो फिल्में हैं वो भी कुछ अलग से ट्रेंड में ढल जाएंगी, कि जो हमारा कल्चर जो पहले बनती थी फिल्में वैसे फिल्में नहीं बन रही। और फिल्में जो वीरदास तुषार कपूर की है, तो उनकी तुषार कपूर अभी तक तो शायद एक ही आध फिल्म इतनी अच्छी की है, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि ये फिल्म उनके लिए कोई अच्छी जाएगी, वीरदास एक अच्छा एक्टर है, उनको करना चाहिए कि हाँ आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसी फिल्में अगर करेंगे तो फिर उनका भी कैरेक्टर कोई खास नहीं रहेगा। मैं तो एक भी शायद हूँ तो ठीक है, एक ले लो आप, मेरे से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मस्ती ज़्यादा मेरे को अच्छी भी नहीं लगी, बुरी भी नहीं लगी, मुझे एवरेज लगी, क्योंकि जो सनी की एक्टिंग है मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि मैं हमेशा से सनी का फैन रहा हूँ, तो हाँ सनी की एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद आई। सनी पहले से ऐसी थी, तो आप आज जो प्ले कर रही वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो पहले की सनी और अब की सनी में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, क्योंकि वो जो था वो मुझे नहीं लगता वो पॉर्न स्टार थी पहले आपको क्लियर कर दूँ, पर अभी वो एक्टर बन गई है ना। अभी जो आमिर खान ने एक कमेंट दिया था उनके ऊपर कि वो भी सनी के साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सनी लगातार अच्छा परफॉर्म करके आई है, और दूसरे भी कई एक्टर्स हैं जो सनी के साथ अभी काम करना चाहते हैं, हालांकि पहले स्टार्स ने बोला था कि वो सनी के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, जितने भी ए लिस्टर्स हैं वो काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी एक्टिंग वाकई सुधर गई है। देखिए मैं तो जैसे बोला गया वैसे, क्योंकि जैसे बन गई है फिल्म, देखने वाले तो ज़रूरी देखेंगे फिल्म को, जिसको देखना है वो देखेंगे, उनके ऊपर तो आप रोक नहीं लगा सकते कि नहीं देखो या ऐसा कुछ, जिनको देखना है देखेंगे, अगर जिनको बुरा लगता है वो ना देखें,
एक साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर उन लोग को देखनी है तो देख सकते, अगर नहीं देखनी है तो नहीं देख सकते, अगर अलग अलग जाते हैं। मैं तो फिल्म को 4 स्टार देना चाहूँगा। मस्ती ज़्यादा मेरे को अच्छी भी नहीं लगी, बुरी भी नहीं लगी, मुझे एवरेज लगी, क्योंकि जो सनी की एक्टिंग है मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि मैं हमेशा से सनी का फैन रहा हूँ। तो हाँ, सनी की एक्टिंग मुझे ज़्यादा पहले से ऐसी थी, तो आज जो प्ले कर रही वो भी ऐसा ही कर रहे थे पहले की सनी में, अभी सनी में क्या फर्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, क्योंकि वो जो था वो मुझे नहीं लगता वो पॉर्न स्टार थी पहले आपको क्लियर कर दूँ, पर अभी वो एक्टर बन गए है ना। अभी जो आमिर खान ने एक कमेंट दिया था उनके ऊपर कि वो भी सनी के साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सनी लगातार अच्छा परफॉर्म करके आई है, और दूसरे भी कई एक्टर्स हैं जो सनी के साथ अभी काम करना चाहते हैं। हालांकि पहले स्टार्स ने बोला था कि वो सनी के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, जितने भी ए लिस्टर्स हैं वो काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी एक्टिंग वाकई सुधर गई है। देखिए, मैं तो जैसे बोला गया वैसे, क्योंकि जैसे बन गई है फिल्म, देखने वाले तो ज़रूर ही देखेंगे फिल्म को, जिसको देखना है वो देखेंगे, उनके ऊपर तो आप रोक नहीं लगा सकते कि नहीं देखो या ऐसा कुछ, जिनको देखना है देखेंगे, अगर जिनको बुरा लगता है वो ना देखें। एक साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर उन लोग को देखनी है तो देख सकते, अगर नहीं देखनी है तो नहीं देख सकते, अगर अलग अलग जाते हैं। मैं तो फिल्म को 4 स्टार देना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो मस्ती ज़्यादा कैसे लगी? बहुत अच्छी पिक्चर लगी। और लैला और लिली दोनों ही एकदम मस्त है। अच्छा, और तुषार कपूर और वीरदास भी थे फिल्म में, तो उनकी एक्टिंग कैसी? तुषार ठीक है। और पूरी कॉमेडी अगर फिल्म की बात करें तो कॉमेडी ने आपको कितना खुश किया, कितना हंसाया आपको? अच्छा खासा खुश है। फिर से देखना चाहेंगे फिर? नहीं, फिर से नहीं देखना। 5 में से कितना स्टार देना दे देंगे? 3 स्टार दे देंगे। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मस्ती ज़्यादा कैसे लगी? बहुत अच्छी पिक्चर लगी। और लैला और लिली दोनों ही एकदम मस्त है। अच्छा, और तुषार कपूर और वीरदास भी थे फिल्म में, तो उनकी एक्टिंग? तुषार ठीक है। और पूरी कॉमेडी अगर फिल्म की बात करें तो कॉमेडी ने आपको कितना खुश किया, कितना हंसाया आपको? अच्छा खासा खुश है। फिर से देखना चाहेंगे फिर? नहीं, फिर से नहीं देखना। 5 में से कितना स्टार देना? दे देंगे 3 स्टार दे देंगे। थैंक यू सो मच।